हमारे पास होंडा की एक्टिवा BS6 बाइक, यहाँ पे आप देखें हिट BS6, और ये 6G है। तो इसमें यानी कि प्रॉब्लम क्या है, ये बाइक एक दो महीने से रखा हुआ है, तो रखने के कारण से ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा। तो फाइनली इस तरीके से कभी भी दिक्कत करता है BS6 बाइक, तो वो यानी कि बहुत ही आसान तरीका होता है। सबसे पहले आपको ये चीज़ चेक करना होगा कि हमारी लाइट मीटर में शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। बैटरी आपकी पूरा फुल चार्ज होना चाहिए, मल्टीमीटर लाना था, बैटरी आपकी पूरा फुल चार्ज होना चाहिए। यहाँ से मैं रुको, खोलना नहीं, यहाँ से मैं इग्निशन ऑन करता हूँ। यहाँ पे अगर आप लाइट देखेंगे तो कोई भी लाइट यहाँ पे नहीं जल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बैटरी को चेकअप करेंगे। यहाँ से हम बैटरी को चेक करेंगे और ये देखना है कि इसकी चार्ज, तो यहाँ पर देखें इसमें 3 पॉइंट मात्र चार्ज है। तो इससे क्या है, हमारी बैटरी चार्ज नहीं, ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। BS6 बाइक में जब तक बैटरी चार्ज नहीं रहेगा तो आप जल्दी यानी कि बाइक स्टार्ट नहीं होगी। और इधर से अगर मैं दिखाऊं तो किक के ज़रिए से भी हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो किक है ये पूरा जाम हो गया। यहाँ देखिए नीचे चला गया है, जो कि ये चीज़ काफ़ी दिनों से रखने के कारण से इसकी किक जाम होने के कारण से इसका किक ही नहीं लग रहा और किक के ज़रिए से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो फाइनली अगर हमारी बैटरी डाउन भी हो जाता है तो उस समय हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होता है। तो हमें इसमें काम क्या करना है, इसकी बैटरी को हम ओपन करेंगे और चार्ज करेंगे पूरा फुल चार्ज, और फिर लगाएंगे और इस बाइक को स्टार्ट करेंगे। और आगे इसकी जो काम करना है वो, जैसे इंजन वाइल हो गया, फिर इसके गियर वाइल हो गया, और फिर इसी के साथ साथ जो किक है उसे खोल के हम सही करेंगे। किक में क्या करना होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी किक की जो चैम्बर है इस पूरे चैम्बर को हम खोलेंगे यानी कि ओपन करेंगे, और इसकी जो रेचेट वगैरह होता है असल में उसमें यानी कि थोड़ा दिक्कत आ जाता है, वो सब जाम होने के कारण से, ग्रीस नहीं रहने के कारण से इस तरीके से प्रॉब्लम करता है कि ये जल्दी स्टार्ट नहीं होने लगता है। यहाँ से किक हमारी फंसने लगता है, तो अगर किक फंस जाता है तो फिर हमारी बाइक स्टार्ट होगी नहीं। तो यहाँ से हम इसे खोल के पूरा साफ़ सफाई करके ग्रीसिंग करेंगे। और भी काम में करना है, जैसे आप जब भी इंजन वाइल चेंज करते हैं उस समय आपको गियर वाइल भी चेंज करना होगा। गियर वाइल अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो गियर के अंदर, यहाँ पे इसकी गियर होता है, इसमें क्या होता है, ऑयल होता है। अगर वो ऑयल नहीं रहेगा तो गियर ख़राब होगी, उसकी बैरिंग ख़राब होगी। तो ये सब चीज़ भी हमें देखना है। गियर वाइल निकालने के लिए हमें यहाँ से इस बोल्ट को खोल के निकालना होता है और यहाँ से इस बोल्ट को खोल के डालना होता है। ये दोनों 12 नंबर का बोल्ट होता है, नीचे वाला आपको खोल के इसकी गियर वाइल को निकालना है और ऊपर वाला 12 नंबर खोल के आपको गियर वाइल डालना है, ये काम करना है। बाइक देखें बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तो हम चलिए बैटरी को चार्ज पे लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये बाइक स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं होता है तो फिर और हम इसमें काम करेंगे, क्योंकि रखा रखा ऐसा भी होता है कि वायर और भी कुछ चीज़ें कट जाता है, चूहा हुआ काटने की डर होता है, तो ये चीज़ हमें देखना है। तो वीडियो में ज़रूर बने रहे, काफ़ी अच्छा और अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में आपको। तो BS6 स्कूटी में दोस्तों काफ़ी चीज़ों का मेरे ख्याल से बदलाव किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो जाली दिया जाता है पंखा, वो अलग दिया गया है, पहले दूसरा था अब दूसरा दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि ये सारा चीज़ जाम है, कुछ भी ग्रीस वगैरह ये सब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, देखिए आप। और इसकी जो टाइमिंग है वो आगे चली गई है, ये इधर चला गया, जो कि ये यहाँ पर होना चाहिए तभी ये किक हमारा लगेगा। और तीसरा क्या है, यहाँ पर देखे ये तो इस तरफ से इसकी जो चैम्बर जो टूटा है वो पत्ती यहाँ पे इस तरफ आ गया ये। तो इसे चलिए देखते चेंज करवाते हैं, ठीक है, नहीं तो इसी को हम किसी तरीके से काम कर देंगे और यहाँ पे हम ग्रीस करते हैं। चलिए ये सारा चीज़ करते हैं और फिर लगाते देखते बाइक स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या और भी हमें कुछ काम करना पड़ेगा। बैटरी हमारा हालाँकि अभी चार्ज नहीं हुआ है, बैटरी को भी हम चार्ज करेंगे और देखेंगे कि ये बाइक स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं होता है गाइस तो फिर से हमें देखना पड़ेगा इसकी करंट वगैरह, पेट्रोल की सप्लाई, ये सारा चीज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि बाइक रखा हुआ था और बाइक जब रखा हुआ होता है तो उसमें BS6 में इंजेक्टर हो गया, फ्यूल पम्प हो गया, और भी सेंसर वगैरह हर एक चीज़ जैसी थोड़ा जाम होने की प्रॉब्लम रहता है, यानी कि गंदगी के कारण से थोड़ा जाम हो जाता है, फिर स्टार्ट जल्दी नहीं होता है। तो ये चीज़ जब देखना होगा ऐसा है या नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें बैटरी को ही लगाना पड़ेगा, तब ये देखते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ हम ग्रीस करते हैं।
थोड़ा सा यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे लगा होगा, यहाँ से ये लगा देते हैं, ये सामान यहाँ पे लगा। यहाँ पे इसका भी टाइमिंग गलत था जो कि ये यहाँ तक आ रहा था, हमें लगता है ये चीज़ खोल के कोई पके नहीं कि और भी कोई यहाँ इसे आगे कर दिया होगा, तो अभी हमने इसे यहाँ पे सेटिंग कर दिया और इस तरफ से ये भी सेटिंग कर दिया। अब यहाँ से क्या है, ऐसे हम किक लगाएंगे ये ऊपर की ओर ऑटोमेटिक सही तरीके से ये काम करेगी। बिल्कुल कम्प्लीट हो गया। अब चलिए इसे हम थोड़ा साफ़ वहाँ से करके फिर हम इसे लगाते हैं। से मैं ये चीज़ बता देता हूँ, जब भी आपको किक की लेवल यानी कि सेट करना है वो इस हिस्से में यानी कि इस तरीके से सेट होना चाहिए। ये पहले खोल के इसे ऊपर कर दिया था, अब यहाँ पे हमने इसकी बिल्कुल भी सेटिंग परफेक्ट किया है। यहाँ पे ये सब में थोड़ा ऑयल डाला हमने, अब ये भी पूरा वर्क कर रहा है। चलिए बैटरी हम चार्ज करके लगा के फिर हम दिखाते हैं आपको स्टार्ट करके, नहीं तो हम यहाँ से देखते हैं, देख लेते दोस्तों स्टार्ट करके। अरे यार ये तो गाड़ी एक बार में ही स्टार्ट हो गई, देखो बिल्कुल कम्प्लीटली ये बिल्कुल परफेक्ट, बाइक के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ क्या दिक्कत था कि किक जाम कर गया था, और किक जाम होने की प्रॉब्लम वही था जहाँ पे ऑयल नहीं देने के कारण से, और इसकी जो सिस्टम है उसे यानी कि आउट करके रखा था पहले से, इसी की वजह से किक नहीं लग रहा था। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो बैटरी इसकी पूरी डाउन था, मैंने पहले ही आपको दिखाया, और किक लगाया एक बार में ही स्टार्ट हो गया। पूरा हर एक चीज़ की जो सिस्टम है वो बिल्कुल क्लियर है इसके अंदर। कभी भी आपके पास अगर BS6 से बाइक हो या स्कूटी हो अगर रखा हुआ रहता है तो उसमें ये सब काम करना होता है कि जैसे स्टार्ट नहीं होता है बैटरी चार्ज रहने के बाद भी, तो अगर बैटरी लो है सबसे पहले आपको बैटरी चार्ज करना है, और उसके बाद फिर आपको देखना स्टार्ट करके अगर स्टार्ट हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर आपको फ्यूल की छिड़काव कर देखना है, इंजेक्टर वगैरह ये सारा चीज़ चेक वो करके साफ़ सफाई करके फिर यानी कि आपको देखना है। इतना करने के बाद फाइनली स्टार्ट हो जाएगी चाहे स्कूटी हो या बाइक हो इस तरीके से। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो अब आगे वीडियो समाप्त करते हम। अब तो इसमें बैटरी फुल चार्ज करके इसे लगाना है और ये बिल्कुल कम्प्लीटली हो जाएगी बिल्कुल सक्सेसफुल। अभी देखें एक बार किक लगाया और मैंने स्टार्ट हो गया, ये देखें बिल्कुल कंप्लीट, इस बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है स्कूटी के अंदर। अब यहाँ से हम इंजन ऑयल ये सारा चीज़ और भी जो जो काम होगा एयर फिल्टर ये सारा चीज़ काम करके फिर कस्टमर वॉशिंग वशिंग करा के फिर कस्टमर को हम दे देंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।